किस में आते हैं, विकारी में आते हैं। और जिन शब्दों के अंदर लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वे हमारे अविकारी पद के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा होगा कि परिवर्तन किस प्रकार का, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि परिवर्तन, हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया लड़का, लड़का, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा तो आप बताएंगे लड़की होगा। ठीक है, तो लड़का का लड़की बनना, यानी जो इसका शब्द है उसमें परिवर्तन आया। अगर मैं आपसे कहूं कि लड़का का बहुवचन बताइए तो आप कहेंगे लड़के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का से लड़के में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन आया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं इधर शब्द है, इस शब्द का इसमें स्त्रीलिंग बताइए तो कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका बहुवचन बताइए तो कोई बहुवचन नहीं बनेगा, काल के आधार पर इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो परिवर्तन होना और परिवर्तन नहीं होना, इसी को हमने कहा विकारी और अविकारी। तो यहाँ पर जो लड़का शब्द है ये हमारी विकारी शब्दों की श्रेणी में आ जाता है, और जो इधर है ये हमारे अविकारी शब्दों की श्रेणी में आ जाता है। तो इन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग बांट के पढ़ते हैं तो वो हमारा पद के भेद कहलाता है, और पद के भेद का पहला विकारी चार प्रकार के पदों से मिलकर बना है, यानी उसके अंदर कितने होते हैं, चार पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये चार आ जाते हैं, उन्हीं में हम पहला ले रहे हैं आज संज्ञा। ठीक है, हमें यहाँ पर संज्ञा पढ़ना है, तो आपको ये पता चल गया कि ये संज्ञा आया कहाँ से है, टॉपिक क्या है। देखो, ये मैंने शुरू करने से पहले आपको ना थोड़ा सा इसलिए बताया है कि मैं हमेशा ये आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आपको जब भी हिंदी पढ़नी है ना, हिंदी को एक क्रम से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं से भी इस तरह से पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो अगर आपको कंप्लीट मैच करना है तो आप मेरा ऐप